आप सभी फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और उसकी एक नई सीरीज़ पे जिसका नाम है सवालों की आर्टिकल से। अभी आपको थोड़ा बहुत अगर साउंड आ रहा होगा तो दैट इज़ द साउंड ऑफ रेन एंड आई रियली लाइक द साउंड ऑफ द बारिश यू कैन से एंड आई होप यू ऑल्सो। इफ यू डोंट प्लीज़ इग्नोर मी फॉर प्लीज़ इग्नोर द रेन जस्ट लिसन माई वॉइस। वैसे ज़्यादा नहीं आ रहा होगा। ओके सो सवालों की आर्टिकल सिप विच इज़ नॉट मैंडेटरी ऑर्डर मी जस्ट डू इट। क्वेश्चन पे चलते सीधे सवाल पे। सवाल क्या है? सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 9। मैं वो लाइन रिपीट नहीं करूँगा फिर से, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन मतलब पहले ये जानते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन हमसे क्या क्वेश्चन कर रहा है। वाओ। सो द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सो करो, इन्हें बताओ दिखाओ। सो आई थिंक रेड इज लिटिल बिट मोर, लेट्स ट्राई वाइट। ओके एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। हमें दिखाना है NCI एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब ये जो वर्ड है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब जो मीनिंग हमें पढ़ने से लग रहा है वो मीनिंग तो ये बता रहा है कि भाई एक्विजिशन कॉस्ट बताओ। बट ये प्रीवियसली पहले यूज़ होता था ये वर्ड, आई थिंक ईयर्स 21 में और समथिंग। और इसका जो मीनिंग है इट्स दिस इज़ द यूनिकनेस ऑफ द सम यू कैन से। जो चीज़ें गलत भी हैं दैट इज़ ऑल्सो यूनिक। ओके सो गलत है, पहले ये था, अभी इसको चेंज कर देना चाहिए। बेसिकली इसमें आपको कैलकुलेट करना है गुडविल, नथिंग एल्स, और NCI तो पहले दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें NCI निकालना है एंड गुडविल निकालना है एट ईच ईयर। अभी हमें ईयर का पता नहीं, अब इन्होंने बोल दिया एट ईच ईयर, बट ये कौन सा ईयर है वो देखते हैं। सो ए लिमिटेड एक्वायर्ड 70% मतलब NCI है 30% का ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, जो बी लिमिटेड है, इतना तारीख को एट कॉस्ट ऑफ ₹10,00,000 इन्वेस्टमेंट मिल गया अपने को। तो गुडविल के लिए क्या चाहिए अपने को? इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज इन्वेस्टमेंट मैन। ओके व्हेन बी लिमिटेड हैड एन इक्विटी शेयर्स, बी लिमिटेड के पास क्या था? इक्विटी शेयर्स कैपिटल 10,00,000 का एंड अदर इक्विटी 80,00,000 का। सो इन द फोर कंजिक्यूटिव ईयर्स बी लिमिटेड फेयर्ड बैडली एंड सफर्ड लॉसेज ऑफ दिस। आने वाले 4 सालों में उन्होंने बहुत बुरा काम किया, मतलब उनकी बिजनेस सही नहीं चली और उसने इतने लॉसेस बुक किए। अभी के डेटा के हिसाब से क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी दिया है, तो आपको अगर याद हो तो नेट एसेट निकालने का हमारे पास 2 तरीका था, एक तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज एंड शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी। सो वी कैन फाइंड आउट INA 10,00,000 प्लस 80,000 दैट इज 10,80,000। देयर आफ्टर 4 सालों के बाद बी लिमिटेड एक्सपीरियंस और टर्न अराउंड। ओ हो कोई मिराकल हुआ, अब श्री कृष्ण खुद ही आ गए महाभारत से निकल के और इस कंपनी को मे बी श्री कृष्ण ने यहाँ पे चाणक्य को लाना चाहिए हमें, वो चाणक्य नीति लगा दी अपनी। एंड रजिस्टर्ड एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹50,00,000, मतलब 4 साल के बाद अच्छे दिन आ गए इनके। इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स दैट इज दिस एंड दिस रिकॉर्डेड एनुअल प्रॉफिट ऑफ दिस एंड दिस। अब यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अब एक चीज़ इस क्वेश्चन में आएगी। क्वेश्चन का डेटा समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन का डेटा प्लेन एंड सिंपल है। अब यहाँ पे जो यूनिक डेटा है, ये तो हमने बात कर लिया कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब गुडविल है। एक जो यूनिक डेटा है यहाँ पे बहुत सारे प्रॉफिट और लॉस दिख। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डायरेक्टली
टू एन सी ए आई, एन सी आई, आई सी आई बोलते हुए एन सी ए आई निकल गया, आई एम रियली सॉरी, एन सी आई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इससे क्या रिलेशन है? तो जो एन सी आई हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एन सी आई ऑन एक्विजिशन डेट, इसका जो सफर होता है एन सी आई ऑन कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के डेट तक, उसके बीच में जो भी चेंजेस होते हैं उसको एडजस्ट किया जाता है चेंजेस इन नेट एसेट्स। जो भी चेंजेस होते हैं नेट एसेट्स में या फिर शेयर्स में, जैसे कि 70% नेट एसेट्स और शेयर्स, तो ये जो फॉर्मूला है जो हम बता रहे हैं ये है एन सी आई एट एज ऑन कंसोलिडेशन डेट, मतलब कंसोलिडेशन डेट तक। ओके, मतलब एन सी आई चेंज होता रहता है, क्लियर है? जब भी कंसोलिडेशन होगा, अगर आपके नेट एसेट्स में चेंजेस है तो एन सी आई चेंज होगा। उसका लॉजिक क्या है? एन सी आई जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो किस पे कैलकुलेट करते हैं? नेट एसेट्स पे। और जब भी हम कोई प्रॉफिट किए या लॉस किए, तो जब प्रॉफिट होगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस अदर इक्विटी पे इफेक्ट पड़ेगा, सो दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट एन सी आई। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। आई होप डेटा आपको समझ में आ गया होगा। डेटा सिंपल है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट दी गई, शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी दिए 10 लाख प्लस 80,000, दैट इज 10,80,000। प्रॉफिट लॉस को एक बार साइड में रखते हैं, ठीक है? और आई एन ए अपने हो गया 1080। पसना पे जो हमने एक यूनिकनेस पहले से ही बात आपसे बात कर ली है, चर्चा उसके ऊपर हो गई, इस क्वेश्चन में क्या यूनिकनेस आपको ये नहीं दिया गया कि हमें फेयर वैल्यू फॉलो करना है या फिर पसना फॉलो करना है। हमने पहले भी बताया था कि पसना हम लोग फॉलो करें थे जब कुछ नहीं दिया हो, तो यहाँ पे भी वैसा ही सिनारियो। तो हम लोग जब एन सी आई निकालेंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें हमें डेटा नहीं दिया हुआ है कौन सा मेथड फॉलो करना है, पार्शियल या फुल गुडविल मेथड, तो हम लोग फॉलो करेंगे पार्शियल गुडविल मेथड, दैट इज पसना, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट फुल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, लिखते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है? सो इन्वेस्टमेंट ऑन एक्विजिशन डेट एट कॉस्ट, तो इन्वेस्टमेंट ऑन एक्विजिशन डेट एट कॉस्ट, दैट इज क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख। एन सी आई निकालेंगे अपने एट पसना, जो कि होगा 30% ऑफ आई एन ए। क्वेश्चन में आई एन ए दिया हुआ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स वो है 10 लाख, दिया हुआ नहीं, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाएंगे, शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी, दिस कम्स 10,80,000। अब 10,80,000 का हमें निकालना पड़ेगा 30%, तो भाई साहब कैल से निकल जाइए, 30% लगाइए और वैल्यू आ गया 3,24,000। अब इसमें 10 लाख माइनस कर दीजिए 10,80,000, तो वैल्यू आ गई 2,44,000। जब ये 70% एक्वायर की 1/4/2001 को डेट ऑफ एक्विजिशन पे, तो गुडविल क्या रही, ये एक्विजिशन डेट का है। अब इनकी जर्नी 7 साल तक चली,
4 साल लॉस, 3 साल प्रॉफिट। तो गुडविल इम्पेयरमेंट होगा क्या? कोई डेटा दिया हुआ? आंसर इज नो, इट रिमेन कांस्टेंट। यू कैन राइट इट विल रिमेन कांस्टेंट। टिल कब तक? जो यहाँ का डेट था लास्ट, तो जो ईयर एंड है, तो ये गुडविल निकल गया। गुडविल इजी था। जो मेन क्वेश्चन का पार्ट है यहाँ पे, जो मेन क्वेश्चन है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई। एनसीआई ने एनसीआई तो करते हैं कैलकुलेशन ऑफ NCI। सो फटाफट करते हैं। ओके, NCI ऑन 2001 कितना था? अभी हमने कैलकुलेट किया। दिस इज व्हाट डेट ऑफ एक्विजिशन। हमें डेटा चाहिए। डेटा के मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन पे एनसीआई कितना था? वो था आई गेस 10 लाख। अभी तो निकाले थे 10,80,000 का 30%। ये आया था 3,24,000। अब हमें किस चीज़ का डेटा चाहिए? प्रॉफिट और लॉस का। जो इन्होंने लॉस किया है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड हो जाएगा। एज सिंपल एज दिस। 250,45,120, 250,45,120, 4 साल का ये डेटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चेंजेस इन नेट एसेट्स पोस्ट एक्विजिशन, और ये लाइन हर जगह लिखेंगे एक्विजिशन। तो वो हो जाएगी 2,50,000, इनको लॉस हुआ है तो उसका 30%। अभी 30% क्यों? क्योंकि 30% ही एनसीआई है। 70% का जो इम्पैक्ट पड़ेगा उससे इसको लेना देना नहीं, जो 30% से इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, ये है पसना मेथड से। तो इसका 75,000 आ जाएगा। तो 3,24,000 माइनस 75,000, दैट कम्स टू 249। ओके, तो ये हो गया एनसीआई ऑन 31/3/2002। ओके, अब इसमें से फिर हम लेस करेंगे। तो यहाँ पे लेस की, क्योंकि वो माइनस था, वही चेंजेस इन नेट एसेट्स कितना है? फोर लाख था। वो लाइन आपको बार बार लिखनी पड़ेगी, चेंजेस इन नेट एसेट्स पोस्ट एक्विजिशन, दैट इज यहाँ पे वन। इसको माइनस करेंगे क्योंकि लॉस है, तो ये आ जाएगा 129। तो ये हो गई एन सी आई ऑन 31/3/2000, ऑफकोर्स 3। फिर अगले साल इनको लॉस हुआ है, आई गेस 5 लाख का हुआ था, उसका 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,3 150। ओके, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 21,000। अब आगे बढ़ते हैं। 1 साल और लॉस हुआ था, तो ये आ गई 31/3/2004। फिर माइनस करते हैं। इस साल इनका जो लॉस था 120 था आई गेस,
120 का 30% एन सी आई ऑन दिस डेट, 120 का 30%, 12 3 36, तो 36,000, ओके, 5 6 7 3 2 5, 57 माइनस में रहेगा। सो एन सी आई ऑन 31 मार्च 2000। अब यहाँ पे चाणक्य आए थे और थोड़ा बहुत टर्न अराउंड हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐड होगा चेंजेस इन, जरूरत नहीं है, बस आप लिखेंगे चेंजेस इन नेट एसेट्स पोस्ट एक्विजिशन, जो कि था कितना का प्रॉफिट हुआ, मतलब पहली बार शायद 50,000 का हुआ था, इसका 30% लगाइए तो ये आ गया 15,000, ये पॉजिटिव वो निगेटिव, 2 3 आई गेस, ऑल द अभी भी नेगेटिव में है, 32,000 बेसिकली। तो ये हो गई 31 मार्च 2006 की। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, एक ही चीज़ बार बार करा रहा है, बट कोई नहीं। आई गेस 5 3 42 होगा ना, ने 2 माइनस कर दिया आई गेस, 5 माइनस 1, ओके 42,000। सो एन सी आई ऑन 31 मार्च, फिर उसमें क्या होगा, एक और एडिशन होगा जो कि है शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमाए थे अगले साल में भाई साहब, आई गेस 101 लाख का पॉजिटिव में आएगा भाई साहब, तुम 30,000 ये ऐड होगा, तो ये ऑफकोर्स इतना कैलकुलेशन तो हमें करना ही चाहिए, 12,000, तो एन सी आई ऑन 31 मार्च 2007, 1 साल और बचा है, अगर अब नहीं तो कभी नहीं, सो लेट्स डू दैट, उसको बोल रहे हैं हम लोग। लास्ट ईयर में मतलब चाणक्य नीति काम कर रही है, ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, 15 3 45, तो 45,000, 45 में से ये गया तो 3 3 3 3 33 पॉजिटिव में आ गया, तो एन सी आई ऑन 31 मार्च 2008, क्लियर है। अब इसकी प्रेजेंटेशन आप दूसरे ढंग से भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लॉन्ग फॉर्म में लिखे, आप कॉलम बना के भी इसको कर सकते हैं, करना यही है। ये एन सी आई निकल गया, सो क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया, आप क्वेश्चन को समराइज कर देते एक बार। चलिए, क्वेश्चन में यूनिक, जो सबसे बड़ी यूनिकनेस ये थी कि इसमें प्रॉफिट और लॉस दिए हुए थे, प्रॉफिट और लॉस दिए हुए थे, उसका हमने एडजस्टमेंट किया एनसीआई से, ओके। और क्वेश्चन प्लेन एंड सिंपल था, जैसा हमने पहले किया था, एक कंपनी है जिसने एक्वायर किया 100% से कम, 70%, तो एनसीआई का पार्ट है, या एनसीआई के लिए हमने आईएनए निकाला, आईएनए के लिए शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी को ऐड कर दिया, आईएनए आ गया। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि पसना फॉलो करे या फेयर वैल्यू, तो हमने पसना लगाना, तो उस आईएनए की मदद से हमने पसना निकाल लिया, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो गुडविल आ गया, गुडविल इम्पेयर होगा, गुडविल इम्पेयरमेंट की कोई डेटा नहीं है और कहीं पे भी वो दिया हुआ नहीं, तो गुडविल रिमेन कॉन्स्टेंट टिल 31 मार्च 2008 तक वो कॉन्स्टेंट रहेगा, और जो एन सी आई है वो चेंज होता रहेगा, चेंज क्यों होगा, क्योंकि उसके डेटा दिए हुए हैं, प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं कंपनी में, तो चेंज हो रहा है नेट एसेट उसका, तो इसलिए यहाँ पे वो होगा। दैट्स इट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आप अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू दैट एंड प्लीज़ डू दैट, अगर कर लिया सो थैंक यू सो मच, गुड बाय।